सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। चाहे तुम्हारा कितना भी सगा संबंधी हो, चाहे कितना भी प्रेमी हो, कितना भी प्यारा हो, वहां दुख संभव है तो सुख कहां मिलेगा। सुख की खोज चाहिए तो कृष्ण के निज चरणों में आओ। वो आनंद देने वाले भी हैं, वो सत्य की ओर ले जाने वाले भी हैं और चित्त वृत्तियों को सात्विक और शुद्ध करने वाले भी हैं। इसलिए उनका एक नाम है सच्चिदानंद। क्या है? सच्चित आनंद। सच्चिदानंद का अर्थ यही तो है, सत चित और आनंद। आइए मेरे साथ मिलके बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद कौन है भाई? सत को देने वाला, चित्त को निर्मल करने वाला और आनंद प्रदान करने वाला। अच्छा बताना आप लोग, जब कल जैसे मंगल यात्रा शोभा यात्रा जब हो रही थी तो आप लोग कितने सुखमय थे, कितने आनंदमय थे। जो भगवान के भक्त होंगे और जो तमाशा देखने के लिए आए होंगे उनका तो मैं कह नहीं सकता। जो उनको तो धूप भी बहुत लग रही होगी, प्यास भी बहुत लग रही होगी, गुस्सा भी बहुत आ रहा होगा। वास्तव में जिसको सुख की खोज है उसी भगवान का नाम, भगवान की मंगल यात्रा में आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान क्या है? सत चित आनंद। सत माने ईश्वर, चित माने सत्य वृत्तियां और आनंद माने आनंद, आनंद माने सुख की ओर ले जाने वाला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है सत चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। और क्या है? जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला है, पालन करने वाला है और प्रलय करने वाला है। विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति प्रलय और पालन करने वाला है। कृष्ण चाहें तो प्रलय करें, कृष्ण चाहें उत्पत्ति करें और कृष्ण चाहें तो सबको सुख प्रदान करें। जो सब कुछ देने वाला है वो है कृष्ण। और है तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार की तापों का विनाश करने वाला है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप हर व्यक्ति को सता रहे हैं रात और दिन। कोई किसी को देख करके जल रहा है, कोई किसी को देख करके परेशान हो रहा है, कोई किसी को देख करके अनायास क्रोध कर रहा है, विविध प्रकार के तापों में जीव अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहा है। जबकि कोई उससे लेना देना भी नहीं। अगर पड़ोसी में, पड़ोसी वाले अगर एक गाड़ी सुंदर सी ले आए, बढ़िया सी ले आए तो तुम क्यों जलते हो भाई? उसके पास पैसा था तो ले आया, तुम्हारे पास जब होगा तुम ले आना। कईयों का तो व्यर्थ का इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करना होता है। देखो कल तक तो साइकिल पे घूमता था, आज ऑडी ले आया, आज फॉर्च्यूनर ले आया। देखो
सत्य तो यह है कि आज के युग में हर व्यक्ति इसी इन्हीं बातों की धुनावुन में अपना जीवन गवा रहा है, और जीवन व्यर्थ निकल गया तो फिर पछताए हो तो क्या, जब चुड़ियों ने चुग खेत लिया। बुढ़ापा आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, चले जाओगे। यमराज पूछेगा, बता क्या सुख किया, क्या धर्म किया, क्या दान किया, क्या पुण्य किया, क्योंकि हम जो यहाँ सब कुछ करते हैं ना, वो सब धर्मराज के पास लेखा जोखा होता है। जैसे हमारे व्यापार का लेखा जोखा मुनीम करता है, उसी प्रकार से धर्मराज मुनीम है भगवान के, कि संसार में लोग क्या क्या करते हैं देखने का काम किया है, बताया है सूर्य भगवान को, रात्रि में चंद्र भगवान को। सूर्य और चंद्रमा भगवान की ये दो आंखें हैं। भगवान सूर्य के प्रताप से सब कुछ देख रहे हैं, पूरे विश्व में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, और सारी लिस्ट बना करके दे देते हैं धर्मराज को। जब यहाँ से अंगुष्ठ का भर शरीर जब जाता है ना, तब धर्मराज पूछता है कि तूने कब कब क्या क्या किया। इवन समय भी लिखा जाता है, दिन भी लिखा जाता है, तिथि भी लिखी जाती है, कौन से वार को किस समय आपने क्या किया, वो सब लिखा जोखा हुआ। तो भगवान से बच नहीं पाओगे। संसार में कोई भी जीव भगवान से बच नहीं पाता। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।